नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी एवरीडे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें 2019 के टॉप 50 करंट अफेयर्स जो कि 100% पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि फटाफट अंदाज में हम इनको देखेंगे और इन 50 में से कितने सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। दोस्तों, मैं मैथ्स एंड रीजनिंग टॉपिक वाइज कराता हूं, तो आप उसे भी आप डेली देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप विजिट करेंगे हमारे चैनल को मैथ्स विथ रीजनिंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये कौन? उत्तर कोरिया है दोस्तों। उत्तर कोरिया ने ही ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में संशोधन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राजघाट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो आपको वो दिल्ली में स्थित है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, अगस्त महीने में भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? आपका केरल राज्य वो करेगा। तो अगस्त महीने में जो भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? केरल। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2019 के टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के मुख्य डिजाइन अधिकारी जॉन इवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एप्पल के कंपनी है, एप्पल कंपनी के मुख्य डिजाइन अधिकारी जॉन इवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फटाफट अंदाज में देखेंगे 50 क्वेश्चन। पाँचवा है, हाल ही में किसने 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया? तो वो है दोस्तों यूएनडीपी ने। यूएनडीपी ने ही 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। हाल ही में किस महाद्वीप के कई देशों ने मिलकर एकल करेंसी ईसीओ अपनाने का फैसला किया? तो वो दोस्तों है अफ्रीका। किस महाद्वीप ने किया था? अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला सातवां है, एक ही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पांच शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा दोस्तों, जो कि बहुत ही करंट फॉर्म में चल रहे हैं। करंट में बहुत अच्छा उनका फॉर्म है, तो उनको ये पांच शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। आठवां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो आपके कौन है दोस्तों? वाराणसी एयरपोर्ट। अब देखेंगे नौवां, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में दोस्तों ये विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई की। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाल दसवां है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता? तो वो आपका ब्राज़ील है दोस्तों। कौन सा देश है? ब्राज़ील। हाल ही में DRDO द्वारा नाग मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह किस तरह की मिसाइल है दोस्तों? यह दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह DRDO द्वारा नाग मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और बारहवां है, हाल ही में प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों वह विकास स्वरूप। विकास स्वरूप को क्या किया है? हाल में प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तेरहवां है, हाल ही में से किस राज्य सरकार ने गाय कल्याण कोष की घोषणा की? क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गाय कल्याण कोष की घोषणा की थी। चौदहवां है, हाल ही में से किसने ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च किया? हाल ही में किसने ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च किया? तो आपका RPF है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा, रेलवे पुलिस फोर्स। अगला है पंद्रहवां, स्विस बैंक में रखे गए धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो 74वें स्थान पर है दोस्तों, 74th। अगला है, 2019-20 के बजट को क्या नाम दिया गया? 2019-20 को दोस्तों बही खाता का बजट के क्या नाम दिया गया था? बही खाता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप क्लिक कर सकते हैं।
जो भी आप स्कोर हो, आपके जितने भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपसे जो आ रहे हैं वो आपको स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला 17वां क्वेश्चन है, बजट 2019 में टीचर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए किस नए स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो वह दोस्तों ज्ञान, कौन सी स्कीम है, ज्ञान की स्कीम की घोषणा की गई थी। बजट 2019 के तहत सरकार द्वारा किस सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो वह स्टार्टअप, स्टार्टअप एक नया चैनल आएगा वो बजट 2019 के तहत सरकार द्वारा किस सेक्टर में, स्टार्टअप के सेक्टर में नया टीवी लॉन्च करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, बजट का अर्थ है चमड़े का थैला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट का अर्थ क्या है दोस्तों, चमड़े का थैला। महिला फीफा विश्व कप 2019 की विजेता अमेरिका, फीफा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ज्यूरिक, ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया गया, तो वह IBM। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक आर्थिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, तो आपके रूस में हुई। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कितने साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गया, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कितने साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गया, दोस्तों 27 साल बाद पहुंच गया है। 25वां क्वेश्चन है, धाविका दुती चंद ने इटली में आयोजित 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया, तो दोस्तों स्वर्ण पदक है। कौन है, धाविका दुती चंद ने, कहाँ की है, इटली में आयोजित होने वाले, आपके भारत की है लेकिन इटली में आयोजित होने वाले 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं में 100 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों आप जानते हैं कि स्वर्ण पदक वो भी महिला ने जीता, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। दोस्तों आधे क्वेश्चन 50% हो गए, 50% और देखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला दोस्तों, वो है सुंद पिचाई को, सुंद पिचाई को क्या है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। 27वां क्वेश्चन है, किस मोबाइल कंपनी ने देश में पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता पहल की घोषणा की, तो है रिलायंस जियो। ठीक है, जिसके अगला आप देखेंगे, भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैशनोवा टेक्सटाइल किस शहर में लॉन्च किया गया, वो है दोस्तों सूरत। भारत के वे दो राज्य कौन से हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से अधिक की संख्या सर्वाधिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्हें पे 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या अधिक है दोस्तों, वहां पर वरिष्ठ नागरिकों की। अगला प्रश्न है 30वां, चेयरमैन कौन बनाया गया, किसका चेयरमैन दोस्तों, MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स, तो चेयरमैन कौन बनाया गया है, MFIN का मनोज कुमार नौम्बियार। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 63वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ग्रीस कौशिक, किसके 63वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं, ग्रीस कौशिक। हाल ही में भारत और ब्रुनेई के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया, कालू पुलिस स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है, कालू पुलिस स्टेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि कियोस्क लॉन्च किया, वो दोस्तों हरियाणा सरकार ने कृषि कियोस्क लॉन्च किया है। अगला है करेंट अफेयर्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो मैक्स वस्टपन्नन ने जीता, किसने दिया था, मैक्स वस्टपन्नन ने, ठीक है, मैक्स वस्टपन्नन ने जीता है। अगला देखेंगे, देखो ये नाम भी दोस्तों ऐसा है जिसे बोलने में कठिनाई होती है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको जरूर लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन रिस्पेक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, आने वाले होते हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खनन से किस राज्य की नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, तो आपकी गोवा। हाल ही में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में किया गया, जो कि भारत में है। हाल ही में IMF ने किस देश को $6 बिलियन को ऋण को मंजूरी दी है, तो पाकिस्तान को। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों,
एन एस विश्वनाथन, एन एस विश्वनाथन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में से किस देश ने पहला बैटरी चलित क्रूज शिप लॉन्च किया, वो है नॉर्वे। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन है 2019 को भी करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे, 10 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लीजिए। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 200 करोड़ का एंटी टैंक मिसाइल समझौता किया, तो है रूस। कौन सा है देश? रूस। के कितने का किया गया था दोस्तों? 200 करोड़ का एंटी टैंक मिसाइल समझौता किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, कितने कितने पैसे का है? तो 200 करोड़। कितने करोड़ का? 200 करोड़। किसके लिए? एंटी टैंक मिसाइल के लिए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन पर। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से लागू की? 2020 से। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से लागू की है? 2020, यानी कि फिलहाल जो चल। ठीक है दोस्तों, कौन है? लागू की जाएगी दोस्तों, अभी हुआ नहीं है, लागू की जाना है। ठीक है, ये जरूर अभी इंपॉर्टेंट बात है, अभी लागू हुआ नहीं है, उसको करना है, 2020 में होगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य के कछुए की एक नई प्रजाति खोजी गई, तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पर कछुए की एक नई प्रजाति को खोजी गई है। 44वां है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कितने ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा दी गई है? 2.22 करोड़, यानी कि 222, 222 के नाम से भी इसे हम जाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 222, 2.22 करोड़। 45वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी? दोस्तों हमारे पीएम साहब, पीएम नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें कितने मिलियन बनता है, 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनना है, मिलियन बनना है, तो इसके लिए हमें कितने प्रतिशत हासिल करनी होगी प्रतिवर्ष? 7% हासिल करनी होगी। दोस्तों बी ऑप्शन में मैंने 8% लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही एक सेम ऑप्शन है, तो सेम ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। आपका जो सही ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका 7% है। तो भारत को प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करना चाहिए? 7% प्रतिवर्ष करेंगे, तब जाके आपको 2025 में 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन आएगी, जो कि हमारे पीएम साहब का सपना है। जो पीएम का सपना है, तो हमारा भी भारत देश का सपना है दोस्तों, क्योंकि भारत देश के पीएम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फैजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में हिमा दास है दोस्तों, ये हिमा दास ने कौन सा पदक जीता, तो वो है गोल्ड, गोल्ड ने जीता था हिमा दास ने। ठीक है दोस्तों, शायद आपके और 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देख लीजिए। हाल ही में किस देश की मलका वियर पर महात्मा गांधी का चेहरा मुद्रित किए जाने के खिलाफ भारत ने विरोध किया, वो है दोस्तों इजराइल। इजराइल में क्या हुआ है? मलका बियर में है, वहाँ पे महात्मा गांधी का चेहरा मुद्रित किया गया था, जिसके खिलाफ भारत में विरोध हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे बापू जी से रिलेटेड है, यानी कि महात्मा गांधी जी से। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में बनेगा, तो आपका केरल राज्य, ऐसा सौभाग्य है जहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र राज हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गाँव कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? अमासेवेलु। कौन सा है? अमासेवेलु। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, दोस्तों सौर ऊर्जा है तो समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कौन सा गांव है? अमासेवेलु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने IAFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता, तो सुनील छेत्री ने निम्नलिखित क्या है? भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी में IAIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके लिए, और आपका कितना स्कोर हो रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ साथ हमारे मैथ और रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे लगभग 150 वीडियोज हैं उसके, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स को भी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।